वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैंगो की रेसिपी लाए। उसके लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया, 1/4 कप हमने सूजी लिए, 1 टेबल स्पून हमने मैदा लिए। मैदा को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अब हमने मिक्सी का जार ले लिया, मैंगो को कट करके उसके पल्प निकाल लिया हमने और इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब जो गेहूं का आटा है उसे भी इसमें डाल देंगे। सूजी और मैदा को भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें करीब 2 कप के करीब इसमें हमें पानी लगेगा इसका बैटर बनाने में। 1 कप हमने अभी ऐड कर दिया, बाद में हम जब मिक्सी चलाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पानी डालना होगा। 1 कप पानी जब डलेगा इसमें। ये देखिए हमने बाउल ले लिया, मिक्सिंग बाउल। अब जो ये बैटर है उसे हम इसमें डाल देंगे। करीब 2 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। ये देखिए बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें 1/4 कप पानी हम और ऐड करेंगे। स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छा सा फ्लफी बना देंगे। देखिए इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें 1 कप चीनी ले लिए, 1 कप पानी ले लिए। और कढ़ाई को हम गैस को ऑन कर देंगे और चाशनी बनानी है हमें। इलायची पाउडर डाल दिया हमने और चीनी घुलने के बाद थोड़ी देर ही चलाना है हमें। चिपचिपी सी चाशनी बनानी है जैसे कि गुलाब जामुन की होती है। केसर के धागे डाल देंगे ताकि इससे कलर अच्छा आ जाएगा। ये देखिए चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें तार नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। गुलाब जामुन जैसी चिपचिपी है। इधर पैन में हम 1 कप घी डाल दिए, देसी घी है ये। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और जो बैटर बनाया हमने उसे डीप चम्मच से हम इसमें डाल देंगे ताकि इससे ये अपने आप शेप ले लेगा। आप जितना बैटर डालोगे उसी हिसाब से ये बड़ा साइज ले लेगा। देखिए और इसका कलर भी चेंज हो गया, मैंगो वाला कलर आ गया इसका। और इसे पलट के फ्राई करेंगे। ये मालपुए खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। ये कलर चेंज हो गया, अब ये पक चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे हम। अब एक और राउंड बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से आराम आराम से डालें, अपने आप फैल जाते हैं। आपको जितनी बड़ी साइज लेनी है उसके हिसाब से आप बैटर डाल सकते हैं। ये देखिए जब ऐसा वाइट वाइट रहे तो इसका पलटना नहीं है, ये कच्चा है वरना कढ़ाई में फैल जाएगा ये।
तो जब तक ये ऊपर से पूरा एक जैसा कलर हो जाए तभी इसे पलटना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप चाहे तो चम्मच से भी ऊपर से ऑयल को या घी को जो भी आप यूज ले रहे हैं उसे ऐसे डाल सकते हैं और फिर आप इसे पलट सकते हैं। राजस्थान की फेवरेट डिश है ये मालपुए। हमने इसमें मैंगो ऐड कर दिया। गैस को मीडियम टू लो पे ही रखना है ताकि अंदर से आराम से पक जाए। अभी ने भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो आपको हमने दिखाया था आटा सूजी जो भी है वो उस बैटर से हमने करीब 15 बना लिए थे मालपुए। देखिए चाशनी अब हल्की गर्म है तो इसे हमने बाउल में निकाल दिए। अब इन्हें चाशनी चढ़ाएंगे हम मालपुओं को, क्योंकि हमने इनमें मीठा नहीं डाला था पहले। अब इसे 1 मिनट ही हम इस पे रखेंगे चाशनी में, तो अच्छे से ये चाशनी इसमें भर जाएगी। ज़्यादा देर नहीं रखना इसमें। मालपुए ज़्यादा ही गलने जैसे हो जाते, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते, इसलिए 1 मिनट बहुत है इसे चाशनी में छोड़ के फिर निकाल लेना चाहिए। अब जूसी मालपुए रेडी है, इसे हम प्लेटिंग कर देंगे। अब 3 मालपुए लगा दिए हमने इसमें। अब इसमें बाउल में दूसरे और ऐड कर देंगे ताकि उन्हें भी चाशनी लग जाए। अभी से पिस्ता से हम गार्निशिंग कर लेंगे मालपुओं की। और आप बनाइए, खाइए और बताइए कि आपको कैसे लगते हैं और कमेंट करना। फ्रेंड्स आपके कमेंट और लाइक हमें मोटिवेशन मिलता है उनसे और अच्छा करने के लिए।